अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिलसिला जारी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है और इस सवाल में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sec है और tan है, तो हम इस पूरे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चाहे तो tan में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसा करना हमारे लिए बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर sec 4 थीटा होता है, यही वजह कि हमें sec थीटा पर अंदर पावर 2 लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें बैलेंस करना है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जब हम tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमें अंदर पावर 2 लगानी पड़ेगी ताकि 2 टू जाए वापस 4 आ जाए। और आप जानते हैं जब भी दो ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस साइन हो तो फर्स्ट ब्रैकेट में मौजूद चीज़ को हम ए और सेकंड ब्रैकेट में मौजूद टर्म को हम बी मानते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। इसी हिसाब से ए की जगह sec स्क्वायर थीटा आएगा और बी की जगह tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आगे इक्वल्स टू 3 एज इट इज। फिर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल वैसे अगर आप tan स्क्वायर थीटा को यहां से जाके वहां शिफ्ट कर दें तो sec स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाता है और वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह तो हम 1 पुट कर देंगे। रही बात इस sec स्क्वायर थीटा की, तो इस sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, तो यहां पर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां 1 इक्वल्स टू 3। ये ब्रैकेट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, आगे इक्वल टू 3 एज इट इज। 1 यहां प्लस में है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 बनता है, तो ये आ गया आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके डिवाइड करेगा, तो ये बना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 ओवर 2, और आप जानते हैं 2 ओवर 2 1 होता है, तो tan स्क्वायर थीटा का आंसर आया 1। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो tan स्क्वायर थीटा पर भी आ गया स्क्वायर रूट, 1 पर भी आ गया स्क्वायर रूट, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर आ गया tan थीटा और इधर 1 का स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 1, यानी कि tan थीटा की वैल्यूज आ गई 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1। तो जैसे लास्ट एपिसोड्स में हमने इस बात को बहुत तफसील से डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी स्क्वायर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर रहे होते हैं और स्क्वायर रूट लगा रहे होते हैं तो हमारे पास सारी पॉसिबल आंसर आ रहे थे, यानी कि चारों क्वाड्रेंट्स के। तो tan 1 यहां पर हम जब tan इनवर्स ऑफ 1 लेंगे तो 45 डिग्री आएगा, क्योंकि यहां पर tan की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस कि यहां पर हमारे पास जवाब आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के और थर्ड क्वाड्रेंट्स के। और अगर हम इधर बात करें tan थीटा इज इक्वल टू -1 पर, तो -1 का मतलब होता है -45 डिग्री, -45 डिग्री का मतलब है चौथा क्वाड्रेंट, और -45 डिग्री का एक और मतलब है 315 डिग्री, क्योंकि अगर आप 360 में से 45 डिग्री को माइनस करते हैं तो 315 डिग्री आता है। तो एक ही बात है, आप कहें -45 डिग्री या 315 डिग्री, दोनों बातें एक ही हैं। और बिल्कुल वैसे जब चौथे क्वाड्रेंट का पॉसिबल एंगल आ जाएगा तो tan सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी पॉसिबल एंगल हम ला सकते हैं अगर आप 180 में से 45 को माइनस कर दें, तो ये बनता है हमारे पास 180 माइनस 45 135 डिग्री। तो हमारे पास चारों ही क्वाड्रेंट्स के जवाब यहां पर तैयार हैं, तो यहां पर एक जवाब हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब पाई ओवर 4 रेडियंस। बिल्कुल वैसे अगर हम यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट का जवाब लाना चाहें तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -1, ये आता है -45 डिग्री, मतलब -π/4। और आप जानते हैं कि tan का जो पीरियड होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि पाई रेडियंस, तो आप दोनों ही को पाई के साथ प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, तो आपके पास तमाम पॉसिबल जवाब आ जाएंगे। तो सिर्फ n पाई प्लस माइनस पाई और 4 लिख देने का मतलब ये है कि हमारे पास सारे ही जवाब यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तमाम क्वाड्रेंट्स के जवाब कवर हो रहे हैं। कैसे, अगर हम यहाँ n की जगह 0 पुट कर देते हैं तो पाई और 4 मतलब प्लस में 45 और माइनस में -45, अगर हम इसको 1 रेवोल्यूशन मानते हैं तो 180 बन जाता है, 180 में जब हम प्लस करेंगे 45 डिग्री तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा, यानी कि 180 प्लस 45 भी आ जाएगा हमारे पास 225, tan 225 भी वही जवाब आता है जो tan 45 से आता है। बिल्कुल वैसे अगर हम यहाँ पर 180 में से माइनस कर देंगे 45 तो हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसको 2 रेवोल्यूशन पर ले जाते हैं
एन की जगह 2 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में से जब हम ये पावर 4 माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा 315 डिग्री, यानी कि -45 डिग्री की पोजीशन। प्लस करेंगे तो 405 आ जाएगा, 405 डिग्री का मतलब वो एग्जैक्टली 45 डिग्री की पोजीशन पर आ जाएगा। तो बस इस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट लिख देना काफ़ी है, इनफ है, क्योंकि सिर्फ इस अंदाज से लिख देने से चारों ही क्वाड्रेंट्स के जवाब हमारे मुकम्मल हो रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।